हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जांच कराने के लिए लाए गए दो लोग आइसोलेशन वार्ड के पीछे की बाउंड्री वाल को फांदकर भाग गए और इससे इलाके में मच गया हड़कंप। काफ़ी देर तक हड़कंप मचा रहा और काफ़ी मशक्कत के बाद स्थानीय मोहल्लावासियों के सहयोग से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा। जो जानकारी मिली है न्यूज़ टुडे को, उसके अनुसार सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब मामले में पुलिस द्वारा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में इन दोनों को जांच के लिए लाया गया था। वहीं से ये दोनों व्यक्ति फरार हो गए। इनके फरार होते ही पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया। काफ़ी मशक्कत के बाद मोहल्लावासियों के सहयोग से ये दोनों लोग बंगाली टोला मोहल्ले के एक पुराने घर में छुपे हुए मिले, जहां से इन दोनों को पकड़ा गया। डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड के दक्षिण छोर कैंपस से सटे हुए इस्माइलगंज मोहल्ला पड़ता है तथा इस्माइलगंज मोहल्ला के लोगों एवं अन्य कई लोगों के सहयोग से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है। इस घटना के संबंध में हमने पुलिस वालों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। बस इतनी ही जानकारी दी गई कि इन लोगों को शराब मामले में पकड़ा गया था। यह लोग दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पकड़कर आज ही लाए गए थे, लेकिन डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड से बाउंड्री वाल को फांद कर ये भाग निकले थे। एक बड़ा सवाल भी यह उठता है कि आइसोलेशन वार्ड के पास क्या सुरक्षा बलों की तैनाती पर्याप्त संख्या में नहीं है? आखिर भागते कैसे हैं लोग, भागने में कामयाब कैसे होते हैं? यह तो गनीमत रही कि दोनों लोगों को मोहल्लावासियों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ लिया, वरना ये कहां भाग जाते पता भी नहीं चल पाता। कोरोना पेशेंट नहीं है ये, दारू में शायद पकड़ाया था 3-4 दिन पहले या कल परसों, हम लोग को जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग आइसोलेशन वार्ड के बगल में हम लोग का मोहल्ला घर है, तो प्रशासन एक बैग भाग रही थी कि भाई दो आदमी इधर से भाग गया दौड़ करके, तो हम लोग कहा कि सर दो आदमी तो देखा इधर से जाते हैं हाफ पैंट पहन करके। फिर प्रशासन को अपने गाड़ी पर बैठा करके ले आकर के घर से गाड़ी निकाले ले आकर के उसको बंगाली टोला में वो लोग पकड़ाया, एक जंगल में घुस गया था। लड़का था आइसोलेशन वार्ड से भागा था, जो के शराब के केस में उसको पकड़ के लाया गया था, तो वो लगभग बंगाली टोला से उसको पकड़ के वापस लाया गया। दीवाल कूद के भागा था, दीवाल कूद करके भागे, जंगल में छुपा हुआ था झाड़ी के अंदर, उसमें से ढूंढ करके निकाले हैं। प्रशासन का सहयोग था, प्रशासन मेरे साथ में हल्ला गुल्ला हुआ तो हम लोग पुलिस प्रशासन का साथ दिए। हम लोग के घर के बगल में आइसोलेशन वार्ड है, हाँ ये लोग जंगल में छुपा हुआ था झाड़ी में, तो हम लोग ये लोग को पकड़ करके, प्रशासन भी साथ में थे, सब आदमी मिल करके पकड़े हैं। उसके बाद उसको लेकर के आया गया है हथकड़ी लगा के, था फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, उसके बाद दीवाल छड़प करके भाग रहा था। हुआ तो पुलिस प्रशासन हम लोग से पूछने के लिए आया, तो हम लोग बताए कि इस तरह इस रास्ते से भागा है बंगाली टोला के एरिया में।